हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, टीयर टू के बारे में हम प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे थे और इसके सिलसिले में हमने पहला वीडियो इंग्लिश का डिस्कस किया था। इंग्लिश को प्रिपेयर कैसे करें, अगर आपको नहीं देखा है तो ऊपर देखिए पॉपअप लिंक हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप इंग्लिश वाला वीडियो ज़रूर देख लें। यहाँ हम मैथ की बात करने वाले हैं। मैथ में आप 150 कैसे पा सकते हैं, किन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान दें और कौन से टॉपिक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, किन टॉपिकों से SSC ज़्यादा पूछ रहा है, किस पोर्शन से SSC ज़्यादा फोकस कर रहा है, हम आपको यहाँ सजेस्ट करेंगे कि किस टॉपिकों को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को आप कम पढ़ सकते हो, और इसके अलावा बुक्स आपके लिए कौन सी बेनिफिट होंगी, कौन सी आपकी बेस्ट बुक होंगी अगर आप SSC प्रिपेयर कर रहे हो टीयर टू के लिए, या अदर आप SCGL CHSL के प्रिपेयर कर रहे हो 2016 के, उसके लिए भी हम बुक यहाँ सजेस्ट कर देंगे। और पेपर देखेंगे, पिछले साल 2015 का जो क्वेश्चन पेपर आया था ऑफिशियली, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा कैसा आया था और उस पर देख कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। देखिए, इस वीडियो के तहत मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो आपको टीयर टू में मैथ के लिए ज़रूरी है, इवन बुक्स, टॉपिक्स कौन से आपको पढ़ने हैं, और पिछले साल का पेपर कैसा आया था और इस बार का पेपर कैसा आएगा, उसके अलावा और स्ट्रेटेजी हम लोग बांधेंगे कि कैसे आप कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकते हो। देखिए, हर कोई कहता है ये लगा लो, वो कर लो, ये कर लो, इसको प्रैक्टिस कर लो। भाई, हम कर लेंगे तो आप क्यों बता रहे हो, हम कर लेंगे हमारे नंबर आ जाएंगे, तो आपने क्या बताया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं किन किन टॉपिकों पे आपको ध्यान देना और किन किन टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 50-60 2 महीने हार्डली, अगर हम बात करें तो हार्डली 1 महीना या मैक्सिमम 2 महीना, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। नवंबर के लास्ट से दिसंबर में मेंस हो जाना है, तो कम समय आपके पास है, आप ज़्यादा कहाँ फोकस करो कि आप 150 तक पा जाओ। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ बुक्स हमने बता दिया है और पिछले ईयर का पेपर भी देखेंगे और पिछले 2 साल से पेपर कैसे आ रहे हैं, किन टॉपिक सारा वो भी एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी स्ट्रेटेजी सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। चलिए, पहले तो हम सिलेबस ही देखते हैं। अमूमन इस बार, पिछली बार ये होता था, ये तीन होते थे, इस बार AAO ऐड हुआ है, आप सभी जानते हैं AAO ऐड हुआ, जिसके लिए हमने काफ़ी चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर पॉपअप हो रहा होगा वीडियो पे, लिंक क्लिक करके AAO के बारे में हमने काफ़ी बात की है। कुछ लोग का डाउट था कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैंने अप्लाई किया है, क्या मैं एग्जाम में बैठूँ, तो अगर आप कन्फ्यूज़न तो पर वीडियो देख लीजिए, पॉपअप हो रहा है, वहाँ मैंने सारा इसका सोल्यूशन बताया है आपको करना क्या है। स्टैटिक्स की बात करेंगे, स्टैटिक्स तो आता ही है, जो 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, आपको इन दोनों पर ध्यान देना है। इसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी लिंक ऊपर आया था, आप क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं। आज हम बात इसकी करने वाले हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एबिलिटीज एप्टीट्यूड, मैथ, गणित, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, और SSC कहाँ से फोकस कर रहा है, किस पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, कहाँ वो अगर देखिए, अगर आपको कोई युद्ध जीतना है, बैटल जीतना है, तो आपको उसकी सामने वाली कमजोरियाँ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा नहीं कि देखिए, कहते नहीं कि एक एक कहावत है कि अगर मेहनत की बात की जाए तो गधे से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता, चुपचाप बेचारा कुछ नहीं बोलता, सुबह शाम तक बोझ होता रहता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आपको गधे वाला काम नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ही सक्सेस पाएंगे। ठीक है, और कुछ लोग बताते हैं कि ये पढ़ लो, ऐसे ऐसे पढ़ लो, ऐसे सीरीज, देखिए वो सब वहाँ एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, आप ये आपने देख लिया, इस तरह थ्योरेटिकल इसे लगाया जाता है, अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे तो हार्डली वे 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, तो वो भी आपको नहीं देखना है, आपको ट्रिक्स पे ध्यान देना है। देखिए, आंखों से जो क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है, वही SSC निकाल सकता है, पेन से नहीं। पेन से सॉल्व करने वाले ज़माने गए, आजकल क्वेश्चन आंखों से सॉल्व होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ से आते हैं, प्रैक्टिस से। ठीक है, चलिए बात नहीं करेंगे, सिलेबस देखेंगे पहले, सिलेबस क्या है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। पहले देखिए, पहले हम एडवांस की बात करेंगे, एडवांस की बात करेंगे, क्योंकि एडवांस अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है SSC में। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थमेटिक है, जो एडवांस के अलावा जो हम लोग का दूसरा पार्ट जो है, क्योंकि वो बैंक भी पूछ लेता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, CI, SI और वर्क एंड टाइम एंड वर्क, सब बैंक में भी आता है। बैंक में क्या नहीं आता है, वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है,
एलजेब्रा नहीं आता, नहीं छुआ है, तो एसएससी क्या करता है, हम इस पे फोकस करते हैं, हमारा हमारा ये है, तो वो इसी पे फोकस कर रहा है। पहला है मेंशुरेशन। मेंशुरेशन में भी देखिए सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन है, साइकिल है, ठीक है, ये 2D है, ये 3D है, क्यूबाइड, क्यूब्स, राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्पेयर, पिरामिड और प्रिज्म। करना क्या है इसमें आपको, पहले तो सबके फॉर्मूले एक पन्ने पे बनाइए, एक पेज लीजिए, उस पर इन सब के सारे फॉर्मूले, रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो एल इन टू बी, ठीक है, पैरामीटर निकालना है टू इन टू ब्रैकेट एल प्लस बी, ठीक है, एक जगह पे इन पूरा मेंशुरेशन का हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर ट्राइंगल सबका एक पन्ने पे लिखिए, रेक्टेंगल उसके फॉर्मूले, स्क्वायर उसके फॉर्मूले, कि आपको कभी भी जरूरत पड़े वो पन्ना आपके पास होना चाहिए। अगर और स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं उस पन्ने को बनाइए, कराइए उसकी फोटोकॉपी, उसको दीवारों पर चिपका दीजिए, जहाँ आप स्टडी करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ दीवार पे लगा दीजिए, अपने टेबल, जहाँ टेबल आप पढ़ते हैं वहाँ सामने दीवार पे लगा दीजिए, जब भी आपकी आँख उठे आपको वो फॉर्मूला दिखे, ठीक है, चलते फिरते आपको फॉर्मूला दिखेगा, आपको ऐसे याद हो जाएगा, जब तक एग्जाम है ना तो ऐसे ही आपको ऐसे याद हो जाएगा, आप बार बार फॉर्मूले को देखोगे, दीवार पे लगी हुई है, हर जगह लगा हुआ, एज अ कैलेंडर बना के टांग दीजिए, ठीक है, सारे क्यूबॉइड के, क्यूब्स के क्या फॉर्मूले हैं, क्या वैल्यूम है, क्या क्या एरिया है, सारे बनाइए एक जगह पे और उसको टांग दीजिए सामने, हमेशा वहाँ ऐसा कोशिश करिए हमेशा हमेशा आँखों के सामने जाए, आँखों के सामने से गुजरे। पता मैं क्या करता था, मैं जब मैं पढ़ता था तो मैं पता क्या करता था, ये सब तो मैं करता ही था, उसके अलावा पता मैं क्या करता था, एक पर्चा अलग से बनाता था, उसको मैं जेब में रखता था, जब भी मैं इधर उधर चलता फिरता कहीं बाहर रहता था और जेब में हाथ डालता तो वो पर्चा मेरे हाथ में आ जाता, मैं खोल के उसको एक बार देखने लगता था कि किस चीज़ का पर्चा है ये, तो फॉर्मूले मेरे आँखों सामने दिख जाते थे। कहीं भी उसको अपने पास रखिए, कोशिश करिए कहीं भी जाए आप, रूम में कहीं भी ट्रेवल होते हैं या बाहर कहीं जाते हैं, उसको आप हमेशा अपने पास रखिए, कि आप ना चाहते हो उस पर्चे खोल के देखना पड़े आपको और आपको वो फॉर्मूले दिख जाएंगे, जब आती फिर चलती फिरती चीज़ बार बार आपकी आंखों सामने आएगी ना, अपने आप आपको याद हो जाएगा। सिंपल वे है याद करने का, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, मैंने कहा आपको कोई मेहनत करनी है नहीं, आपको एक फॉर्मूला बनाना है, ए फोर शीट पे सारे फॉर्मूले लिखने चाहिए, आप जहाँ जहाँ ट्रेवल करते हैं घर में, ठीक है, ऐसा नहीं आप ड्राइंग रूम में जहाँ गेस्ट बैठते हैं वहाँ जाकर चिपका दीजिए, ऐसा नहीं है, वहाँ मत चिपकाइएगा, मम्मी बहुत मारेगी, ठीक है, तो आपका जो रूम है, आपका जो स्टडी टेबल है वहाँ के आसपास रखिए, हो सके तो कुछ बड़े पन्ने बनाइए, ऐसा कैलेंडर बना के टांग दीजिए, ठीक है, और दो तीन फोटोकॉपी करा के हमेशा अपने पैंट की जेब में रखिए, और लेट इट बी, मतलब अगर ख़राब होता है फेंक दीजिए उसको, लेकिन उसको पैंट की जेब भी आप हाथ डालेंगे आपको वो मिलेगा और आप उसको एक बार खोल के देख पाओगे, तो ऐसे अगर आप 1 महीना करोगे ना तो आपको फॉर्मूले अपने आप दिखने लगेंगे, आपको फॉर्मूले अपने आप याद होने लगेंगे, ठीक है, ये थी ट्रिक मेंशुरेशन की, क्योंकि मेंशुरेशन जो है ना वो सिर्फ फॉर्मूले का खेल है और कुछ नहीं, लोग आपको डराते हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पहले तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है, क्वेश्चन चाहे बेसिक लेवल का हो, ठीक है, अगर आप सिंपल पूछा गया हो कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 है, इसका एरिया क्या होगा, अब आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, ए इंटू ए साइड इंटू साइड, आपने कर दिया 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, सिंपल था, अगर आपको उस स्क्वायर का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप कैसे कर पाओगे, तो बेसिक चीज जो है मेंशुरेशन की वो है फॉर्मूलास, ठीक है, फॉर्मूले सारे आपके सारे जबान पे होने चाहिए, जब क्वेश्चन आए फट से आपके दिमाग में फॉर्मूला पहले आएगा, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या बन रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मेरे पास ये है, फॉर्मूला मेरे पास ये है, क्या पूछ रहा है, आराम से आ जाएगा, ठीक है, तो बेसिक मेंशुरेशन का है फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ नुस्खे बताए थे, अगर आपने नहीं देखा ऊपर एक वीडियो पॉपअप हो रहा होगा वहां आप देख लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, लोगों को थीटा याद नहीं होते, अगर मैं पूछूं सेक 30 कितना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेक 30 करने लगोगे, ठीक है, मैं पूछूं कॉस 60 कितना होता है तुम करने लगोगे, इसलिए मैंने एक चीटिंग करने का तरीका बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको थीटा याद नहीं होता है तो आप उसको बना कैसे सकते हो, जब एग्जाम शुरू होने वाला हो A4 शीट पेपर मिले आप नीचे वो पीछे फॉर्मूले लिख वो उस तरह से बना के आप सारे थीटा के साइन थीटा कॉस थीटा सारे पूरा टेबल आप बना के रख सकते हो एग्जाम शुरू होने से पहले, तो आपको अगर याद नहीं है तो ये आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो ऊपर लिंक दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उससे आप देख सकते हो कैसे आप पूरा थीटा का चार्ट बना सकते हो।
ट्रिग्नोमेट्री तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई एडवांस की बुक लाइए, ठीक है। अभी मैं बुक बताने वाला हूँ, वो बुक आप एडवांस बुक की, मैं कुछ बुकें आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, वो बुक प्लीज़ लाइए। और ट्रिग्नोमेट्री जितने क्वेश्चन आए हैं वो उनको लगाना शुरू करिए एक तरफ से, ठीक है। बेसिक्स से एडवांस तक, टफ लेवल तक जाइए, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल तक जाइए, और धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। कोई ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं आएगी, लेकिन वो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे जो प्री में आए थे, वो क्वेश्चन नहीं थे, वो मजाक थे, वो आपके साथ एसएससी ने मजाक किया, आपने क्वेश्चन समझ लिया, वो क्वेश्चन नहीं थे, वो मजाक थे। वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे पिछले साल आए थे, हम आगे दिखाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक जहाँ से आपको 5 से 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं मेंस में, ठीक है। ये स्टूडेंट को टफ लगता है, ज्योमेट्री टफ लगता है, क्यों टफ लगता है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थ्योरम क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसलिए वो टफ लगने लगता है, ठीक है। हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन, लाइन एंगल से, ट्राइंगल से, क्वाड्रेटल से, पॉलीगन से, सर्किल से, हर टॉपिक से, लाइन एंगल से, ट्राइंगल से, क्वाड्रेटल से, पॉलीगन, सर्किल से, एक एक दो दो, एक एक दो दो क्वेश्चन आने वाले। सर्किल से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी एक एक दो दो क्वेश्चन सबसे आते हैं। कुल मिला के 5 से 8 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में इससे मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, आगे हम दिखाने वाले हैं कैसे आ रहे हैं, कैसे मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री तैयार करने का तरीका ये है कि पहले सारी थ्योरम को देख लीजिए, ठीक है। थ्योरम देखने के बाद जितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में, बस वही लगा लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ एडवांस या कुछ नया करने की। पिछले 15 साल में एसएससी के ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को लगा लीजिए, आप आराम से कर लोगे, कोई नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कुछ आप पूरा जाके पूरी ज्योमेट्री पढ़ो, नहीं, 15 साल के जितने क्वेश्चन ज्योमेट्री के आए हैं उन्हें निकालिए, सॉल्व। आगे मैं अभी बुक आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, उस बुक को उठाइए, उसमें ज्योमेट्री के पिछले 15 साल के जितने क्वेश्चन आए हैं उनको बस लगा लीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है, मैं आपको और कुछ नहीं बता रहा, और आपको कुछ नहीं करना है, बस वही 15 क्वेश्चन है उनको लगा लीजिए, आपकी ज्योमेट्री तैयार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलजेब्रा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत मज़ा आता था अलजेब्रा लगाने में, आता है इनफैक्ट। अलजेब्रा के क्वेश्चन जब आपको डफ लगने लगे ना, तो बस ए बी सी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दीजिए पहले, तो अब सॉल्व करिए, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अमूमन आधे क्वेश्चन अलजेब्रा के, मोर देन 50% क्वेश्चन वैल्यू रख के ही हो जाते हैं। कुछ भी दिया हो, बड़ा से बड़ा इक्वेशन आपको दी गई हो, 4 ऑप्शन दिए गए हों, ऐसा कुछ, सिर्फ आप सिर्फ वैल्यूज पुट करिए, 0 1 0 1 2 0 1 2 करके, कोशिश करिए, उसी में आपका काम हो जाता है। अलजेब्रा के लिए क्या करना है, वही करना है पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन आए हैं वो लेकिन यहाँ पे इनफ नहीं होगा, ज्योमेट्री में इनफ हो जाएगा पता है, लेकिन एलजेब्रा के लिए इनफ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एलजेब्रा में ही वो नए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, शुरू कर दिया उन्होंने। ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा कुछ नए क्वेश्चन बना लेते हैं वो हर साल, पुराने रिपीट नहीं होने देते हैं, लेकिन ज्योमेट्री और मेंशुरेशन में आपको पुराने मिल जाएंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा पुराने नहीं मिलते, हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो था एडवांस का पोर्शन था वो ख़त्म हो गया है, मेंशुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, पढ़ना आपको यही है, पढ़ना आपको यही है बस। आगे में ये परसेंटेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, फंडामेंटल नंबर सिस्टम हो गया, इनको कम पढ़ना है। ये जो आपको ये पढ़ना है। हालांकि ये और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है मतलब, लेकिन आपको कवर करना पड़ेगा। कवर करने के लिए मैं आगे सजेस्ट करूँगा क्या करना है आपको, अभी टेंशन मत लीजिए। इस टॉपिक से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस टॉपिक से आपको ये पढ़ना है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, इन सब से दो दो, ये दो दो क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आने हैं, लेकिन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इस पूरे फंडे को आप पढ़ लेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ से आपको हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर सिस्टम में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन, लेकिन ये जो है ना, ये पूरा एडवांस, यहाँ से आपको 50% मतलब 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इन 4 टॉपिकों से। परसेंटेज में आप सबसे ज़्यादा ये पढ़िए,
यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इवन इन दोनों से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इन सबको पढ़ेंगे, यहाँ से हार्डली से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन डीआई, डीआई में 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, ये भगवान भी नहीं जानता, ये भगवान भी नहीं जानता डीआई से कितने क्वेश्चन आएंगे। आप अगर बैंकिंग में जाते हो ना, तो आपको पता है कि डीआई अच्छी खासी आनी है, लेकिन एसएससी में आप जाते हो, टीयर 2 में जाते हो, टीयर 1 में तो लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टीयर 2 में पता है 2014 के पेपर में डीआई का 1 क्वेश्चन नहीं आया। तो इसको मद्देनजर रख के हम नहीं कह सकते डीआई कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन भी आते हैं, 20 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये अगर आप तैयार करेंगे ना, तैयारी होगी आपकी बैंक की, पीओ की, आरआरबी की और क्लरिकल की, वहाँ की भी आपकी तैयारी होगी। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ये आपसे उसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैंकिंग लेवल का जो डीआई आता है उस लेवल का एसएससी में डीआई नहीं आएगा, उससे लो लेवल का होगा, लेकिन ये आपको तैयार करना है, ये अच्छा खासा। अगर हम 1 2 3 4 5 की बात करें ना, आप आराम से 60 क्वेश्चन करके आ सकते हो, 60 क्वेश्चन आप 100 में से 60 क्वेश्चन आराम से कर दोगे, बस ये टॉपिक 1 2 3 4 और ये 5, इतना आप पढ़ोगे। इसमें बहुत लेंदी टॉपिक है ये, ठीक है, इसमें ये लेंदी टॉपिक है और इसको आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कम क्वेश्चन आने हैं, और ये क्वेश्चन इसमें कभी बार इससे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, ठीक है, तो वो आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कोशिश करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हो तो ये आप कर पाओगे। देखिए, मैं बात यहाँ करता हूँ सबके लिए करता हूँ, कभी कभी मेरे पास आते हैं मैसेजेस कि सर आप बहुत स्लोली बताते हैं, बहुत सर आप बहुत आपका जो लेवल है बताने का वो थोड़ा सा कहीं ना लो हो जाता है, थोड़ा हाई फाई बताइए। देखिए, हाई फाई बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कुछ ऐसा बताने की कोशिश करता हूँ जिसको एक एवरेज स्टूडेंट भी समझ पाए, एक हायर स्टूडेंट भी समझ पाए। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको ये नहीं पढ़ना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ एवरेज नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको परसेंटेज में ये पूरा नहीं, कंपाउंड से पढ़ना, यहाँ से प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए, एक आध क्वेश्चन यहाँ यहाँ से आ जाएंगे, इसका मतलब आपको पढ़ना नहीं है। हर लेवल की बात करने का मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटा छोटा बंदा जो बहुत अभी बिगनर है वो भी समझ सके, एक हायर है जो वो भी समझ सके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पढ़ना आपको नहीं है, तो इसका ये मतलब कि आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इन टॉपिकों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है बजाय इनके, क्योंकि अगर एवरेज से क्वेश्चन आएगा, मॉडरेट भी आए ना, तो आप कर लोगे, अगर टफ आया ना तो आप कर ही नहीं सकते, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि एवरेज से क्वेश्चन अगर टफ बन गया तो आप कर ही नहीं सकते हो, ये मेरा चैलेंज है आपको। एवरेज से क्वेश्चन टफ बन गया, अगर परसेंटेज से क्वेश्चन टफ बन गया, आप नहीं कर सकते, चाहे आप जो कर लो आप नहीं कर पाओगे। अगर एवरेज बना तो एवरेज का मतलब समझते हो परसेंटेज में, और एवरेज में जो आप थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ रखा है ना, तो आप कर लोगे आराम से, अगर टफ बन गया तो आप कर ही नहीं सकते हो। लेकिन क्वेश्चन आए ना आए, कम आए ज़्यादा आए, इस पे ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन, ये जो टॉपिक ऊपर वाली, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आने हैं और ज़्यादा आने हैं, आप यहाँ ज़रा से फोकस करोगे तो अच्छा खासा अटेंड कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कंपैरिजन देखेंगे पिछले 2 सालों का। मैं कह रहा था आपसे कुछ चीज़ें जो वो ये हैं, इन 5 टॉपिक से आपको 50 मिलेगा, बजाय इन 10 टॉपिकों को पढ़ने के, इससे 50 नंबर का मिलेगा आपको। तो 10 टॉपिक पढ़ना ज़्यादा सही है कि 5 टॉपिक पढ़ना ज़्यादा सही है, ये 5 टॉपिक, अब बताओ। जो गधे का एग्जाम्पल मैंने दिया ना आपको, वो यही है। डीआई 2014 में नहीं आया था, 15 में 5 क्वेश्चन आया था, इस बार आएगा डीआई, अब ऐसा नहीं कि इंक्लूड नहीं होगा, होगा, लेकिन यहाँ से आप अगर ज़्यादा, अगर देखिए पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी आपने तैयारी करना शुरू किया, आपके पास 1 महीना 2 महीना है,
तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ फोकस करिए। पढ़ने वालों के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, पढ़ने वाले तो कुछ भी कह लो अपना पढ़ेंगे, अपना करेंगे और अच्छा खासा कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जो चाहते हो कि हम 2 महीने की पढ़ाई में हम अच्छा खासा गेन करें, तो उनके लिए ये है कि आप यहाँ फोकस करो। ये तो बेसिक भी अगर आपको आता है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आप अच्छा खासा 25 से 30 अटेंड कर लोगे 50 में से, ठीक है। और यहाँ आपने फोकस किया तो अच्छा खासा आप बिल्कुल 70-80 मार्क के होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कंपेरिजन। 12 क्वेश्चन 15 में, 16 क्वेश्चन 14 में। देखिए 16 क्वेश्चन ज्योमेट्री से, 8 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन मेंशुरेशन है। ये जो है ना, ये काफ़ी हेल्दी है, एडवांस जो है काफ़ी हेल्दी आता है, काफ़ी 50 नंबर का आपको तो मिल ही जाएगा। देखिए 13 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 100 में से लगभग 30 क्वेश्चन ज्योमेट्री और मेंशुरेशन से आ गए थे। तो कहीं ना कहीं मेंशुरेशन ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा आप कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं पहले बताता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्रॉफिट लॉस मैंने बताया था पढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आएगा, तो प्रॉफिट लॉस आपको छोड़ना नहीं, प्रॉफिट अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी दो दो तीन तीन क्वेश्चन बताया था, सी आई 2 क्वेश्चन में, टाइम टाइम एंड वर्क से 5 क्वेश्चन, मतलब दो दो तीन चार चार 5 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो हेल्दी क्वेश्चन वो यहाँ से आते हैं और प्रॉफिट लॉस से आते हैं। तो अगर यहाँ से भी नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप आराम से अटेंड कर लोगे, इतना टफ नहीं आता। पेपर मॉडरेट होगा, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे। देखिए होता कैसे है, मैं आपको भी समझा देता हूँ। 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन इजी बनेंगे, इजी लेवल के होंगे, ठीक है। अगले इजी लेवल के, ठीक है, अगले जो 40 क्वेश्चन इतने इजी होंगे, अगर आप ढूंढेंगे आप आराम से 35 से 40 क्वेश्चन आपको इजी मिल जाएंगे, जो आप इजीली अटेंड कर लोगे अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, ठीक है। आगे के 30 क्वेश्चन, ये जो 30 क्वेश्चन होंगे ये मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट मतलब न इजी न टफ, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे आप तो 20 क्वेश्चन जो होंगे वो टफ होंगे, टफ डिफिकल्ट, ठीक है। 100 नहीं हुआ है अभी, अभी 10 क्वेश्चन बाकी हैं। ये 10 क्वेश्चन कौन से होंगे कोई बता सकता है? ये 10 क्वेश्चन होंगे नए नए क्वेश्चन जो बने होंगे इस साल के, जो नए क्वेश्चन एसएससी ने बनाए हैं वो 10 क्वेश्चन होंगे, और ये जब बने हैं तो टफ लेवल के बने हैं, टफ 30 क्वेश्चन टफ होंगे, 20 क्वेश्चन टफ जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 15 साल के पेपरों में वो कहीं ना कहीं वैसा आया होगा उस तरह का क्वेश्चन। लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल नए होंगे, फ्रेश होंगे, जो एसएससी ने इस बार नए बना के डाले हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई प्रैक्टिस में हो, पढ़ाई कर रहे हो आप, जो आप सीरियस हो, तो 30 क्वेश्चन और आपके मॉडरेट होंगे, वो भी आप कर लोगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, चाहे एसएससी का कोई पेपर अगर तैयारी करो 70 क्वेश्चन कर सकते हो। 30 क्वेश्चन का खेल होता है, सारा 30 क्वेश्चन का खेल होता है, जो टफ लेवल का आता है। उसमें भी 10 क्वेश्चन तो कोई कर ही नहीं पाता है, 90-90 कर पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं वो आखिरी के 10 क्वेश्चन को भी, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन मार आते हैं, अच्छा खासा कर आते हैं। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है बनने का, ठीक है। ये हमने दिखा दिया है 2 साल में इस यहाँ से कहाँ से आ रहा है, वो हमने यहाँ पर आपको शो कर दिया है। चलिए अब 2015 का पेपर, ये है लास्ट ईयर का पेपर 2015 का। पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। यूनिट डिजिट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा यूनिट डिजिट मेथड देखिए, उसमें मैंने क्वेश्चन में शायद ये सॉल्व भी किया है, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, कुछ इजी थे, जैसे ये पहला जो है ये इजी है, पाँचवा इजी लग रहा है, छठा इजी है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। ये तो बात कर चुके हैं, ये भी बहुत ईजी है। इस तरह के क्वेश्चन अगर मुझे मिलता मैं आपको सॉल्व कर दिखाता, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस पे सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये पीडीएफ खुला हुआ है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ना ही मैं शो करके आपको सॉल्व करके दिखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ये इजी है, ये नॉर्मल बेस है, ये इजी क्वेश्चन है, ये मैंने बताया हुआ है आपका, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो देखा होगा ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। और देखेंगे 5 नंबर का ये आया था DI। और देखिए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन काफ़ी दिख रहे हैं आपको, प्रॉफिट लॉस लॉस के क्वेश्चन बताया, 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। ये नंबर सिस्टम से है, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हेन डिवाइडेड बाय 47। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, शायद मैंने नंबर सिस्टम बताया हुआ है। देखिए इसको ना जब इससे इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो द सेम नंबर डिवाइड बाई कितना, कुछ करना नहीं था, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर बचेगा,
9 बचेगा, 9 इज द आंसर, खत्म। ठीक है, इसको डिवाइड, इससे देखिए द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 361 गिव्स रिमाइंडर इतना, इन द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 19, करना कुछ नहीं, इसका कोई काम ही नहीं रहता है। जो पहले का रिमाइंडर है, दूसरे का डिविजर है, इसको इससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे, 19 को 19 टू 38 होता, बचता कितना 9, 9 आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ आपका, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा वहाँ मैंने बताया हुआ। ये क्वेश्चन मॉडरेट है, ये तो डीआई के क्वेश्चन हो गए, एलजेब्रा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे, ये क्वेश्चन मैंने बताया था शायद, ये भी ये क्वेश्चन मैंने आपने बताया हुआ एलजेब्रा में। बाकी तो और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, एक एक या दो क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सीधे सीधे फॉर्मूले पे है, पाई डी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आर, रिवोल्यूशन मतलब, और डिस्टेंस से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मॉडरेट है, ये क्वेश्चन मॉडरेट है, पिरामिड से क्वेश्चन था, पिरामिड से क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, ये पिरामिड से एक क्वेश्चन हर साल एक से दो क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है, फॉर्मूला नहीं पता होता पिरामिड का। ठीक है, तो वो पता होगा तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन बहुत बेसिक है ये। ठीक है, ये भी अच्छा है, सेलिंग प्राइस इतना है तो कॉस्ट बाय द प्रोडक्शन ऑफ द, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, एवरेज से क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ नहीं था, मॉडरेट था, लेकिन इसको अगर आप सिस्टमेटिक सॉल्व करें, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था ये वाला जो था, और ये हो गया रेशियो, परसेंटेज और रेशियो का मिक्सर था, डिस्काउंट से देखिए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मिला के काफ़ी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, और ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये पॉली, अच्छा पॉलीगन से भी एक क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है, एक से दो क्वेश्चन आ ही जाता है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इससे तो कुछ टफ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर कैसे आया था, आप देख लो कैसे क्वेश्चन आए थे, अगर आप नहीं देखो तो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये पेपर मुझे मिला था, मैंने स्कैन करके लगाया हुआ है आपको, आपको दिखाने के लिए सिर्फ। पाइप एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे टाइम में वर्क से हम लोग करते हैं वैसे पाइप एंड डिस्टेंस भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, अगर हमने मेरा क्वेश्चन देख वीडियो देखा होगा टाइम एंड वर्क वाले में, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ये तो क्या आप क्या ढूंढ रहे हैं, प्रीलिमिनरी के टीयर वन के क्वेश्चन टाइप ढूंढ रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के भी हैं, हर तरह के क्वेश्चन, देखिए मैं बताया ना 40 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस तरह के मैंने बताया था, इस तरह की सिर्फ सीरीज बनती है, तो कॉट 41 अगर इसको इंटू कॉट 49 मिल जाए तो ये 1 बन जाएगा, ये और ये कैंसिल कर दीजिए, 42 है कितना और चाहिए 90 बनाएंगे 48, ये कैंसिल हो गया, 43 कितना चाहिए 47, इससे कैंसिल हो गया, 44 कितना चाहिए 46 और चाहिए इसको 1 बनाने के लिए, इससे कैंसिल, बचा क्या 45, 45 वैल्यू क्या होती है 1, खत्म। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप देख लो, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो पॉज करके सॉल्व, ये क्वेश्चन मैंने अपने एलजेब्रा के वीडियो में सॉल्व किया है, अगर आप देख सकते हो देख सकते हो वहाँ से, और कुछ ऐसा खास, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है नंबर सिस्टम में करते क्या, मैंने बताया था ना कि यू ऊपर वाला साइन पकड़िए और क्या करिए इसको इससे माइनस कर दीजिए, सी इज द आंसर, ओरली सॉल्व किया है। टेन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू बराबर होगी, तो थीटा की वैल्यू टेन थीटा 45 1 होता है, कॉट थीटा 45 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई है 45, तो ये 1060 अपॉन 1045 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने बताया था आपने अलजेब्रा के वीडियो में, और ये क्वेश्चन भी अलजेब्रा के अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन आए, कुछ नए क्वेश्चन बने थे, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये मैंने बताया है अपने रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में, अगर आपने देखा हो तो, ये तो बहुत ईजी है, ये तुम करते आए हम लोग, कितना 4% डिक्रीज, ये मैंने बताया, अगर आपने देखा होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, और कुछ है नहीं इसमें पेपर, अगर आपको पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक बुक बताऊंगा जिसमें आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए, क्वेश्चन तो सारे बेसिक है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था अपने एलजेब्रा के ट्रिप में उसमें, और यहाँ क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिए हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए चलिए अब बुक्स की बात करेंगे। बुक्स में अगर आपको सॉल्ट पेपर चाहिए पुराने पिछले वाले, तो ये किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। बेस्ट इन सेंस कि ये टीयर टू के लिए नहीं, ये एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये काम आपके आएगी। ठीक है, बेस्ट बुक है, अगर ये आप ले लेंगे 1999 से अब तक के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे सॉल्व हो भी, और वो ये बुक, अगर ये पूरी बुक आप लगा जाएंगे तो आप कोई एग्ज़ाम एसएससी का ऐसा नहीं है जिसमें मैथ में आप अच्छा खासा नंबर ना ला पाएँ।
ये बुक आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, अगर नीचे लिंक दिया होगा वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। ये बुक है एडवांस की, राकेश राकेश यादव जो आप वेल नोन फेसेस हैं आपके केडी कैंपस के लिए, पैरामाउंट के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके लिए है। इसमें एडवांस है, इसमें एडवांस पे फोकस किया गया है, एडवांस के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों है, लिंक नीचे दिया है वहाँ से आप बाय कर सकते हो। ये उनकी एक और अभी भी नई पब्लिश हुई है राकेश यादव जी की। इस बुक में क्या है, 1999 से 16 तक अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज वो सारे हैं, इसको ले लेंगे बहुत एडवांटेज आपको है। ये इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें हिंदी इंग्लिश आपको दोनों मिल जाएगा, बजाय आप ये लेने के लिए इंग्लिश या हिंदी आप ये ले लें, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा आपको, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको आता है वैसे मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इसका, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये बुक है प्रैक्टिस के लिए, 10 मॉक पेपर है इसमें, SSC के पैरामाउंट की तरफ से पब्लिश होती है बुक, अच्छी बुक है, 10 ले लें, प्रैक्टिस करना शुरू करें। देखिए पेपर आपको डेली एक लगाना है, इंग्लिश का और मैथ का, डेली पेपर सुबह इंग्लिश का लगाइए, शाम को मैथ का लगाइए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप शार्प होंगे। तो प्रैक्टिस वालों के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। वर्कबुक लेना चाहते हैं अगर इस लिंक में जाएंगे आप, इन चारों जो नीचे लिंक दिए हैं नीचे आपको और बुकें मिलेंगी जो प्रैक्टिस के लिए भी हैं, वो भी आप बाय कर लें, वहाँ आप खुद देख लीजिए वहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक भी एडवांस के लिए है, किरण पब्लिकेशन की है, लेकिन इसमें एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री मेंशंस के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, जो अच्छे से क्वेश्चन आए हैं वो सारे हैं, उसके अलावा अच्छे क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर एडवांस आपको तैयार करना है तो ये बुक बेस्ट है एडवांस के लिए, ठीक है, किरण की है, इसको ले सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, या तो आप नाम नोट कर लें और मार्केट से ले लें। चलिए फिलहाल इस पूरे वीडियो में इतना कुछ आपके लिए था, इसके अलावा कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका कमेंट मोस्ट वेलकम है, मैं उसके रिप्लाई भी कर दूंगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।